ये वो सॉफ्टवेयर है जो एक डिस्क के अंदर मौजूद होता है। ये देखें, ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम ये था उस वक्त एक डिस्क आती थी फ्लॉपी, और ये बहुत ओल्ड बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता और वो उसी के अंदर यूज होता, यानी आपको जब यूज करना हो तो आप लगाओ, यूज करके वापस निकाल दो डिस्क को, तो वहां पर कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। आजकल क्या होता है, आजकल डिस्क में जरूर होता है, लेकिन वो एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी होता है, यानी डीवीडी के अंदर आता है, और वहां से हम उसको जब विंडो इंस्टॉल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त उसको हम उस डीवीडी से निकलवा के एक और डिस्क होती है इसके अंदर लगी हुई, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसमें वो कॉपी होता है। तो हम डीवीडी निकाल देते हैं, तब भी वहां सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, चलो। लेकिन ये नहीं होता कि डिस्क के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो लगाओ निकालो, यानी पोर्टेबल की तरह कि भाई वो, अभी मिसाल मेरे पास सॉफ्टवेयर है डॉस, मैं अभी इधर लगा रहा हूँ इधर यूज हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर का इधर से निकाल उधर तो उधर यूज हो रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा डिपेंड करता था डिस्क, इसीलिए इसको नाम ये दे दिया गया है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्क पे ही फोकस करता है, डिस्क पे ही चल रहा है।